हम हैं स्नो सिटी नारकंडा की स्की स्लो धोमड़ी में। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, धूप खिली है आज और बेहद सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो स्कीयर है, लगभग 100 से ज़्यादा यहाँ पर जो प्रतिभागी आए थे स्टेट लेवल का, यहाँ पे स्की और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है हिमालयन स्पोर्ट्स क्लब नारकंडा द्वारा। और विभिन्न ग्रुपों में अभी जो प्रतियोगिता हुई है, हम आपको बताते चले, जो 8 से 12 साल की थी, 12 से 14 साल की, और 14 से 18, और अभी 21 साल की जो ओपन में, वो अभी इसके बाद ही प्रतियोगिताएँ होनी है। और गर्ल्स के लिए अलग कंपटीशन यहाँ पर हुआ है, और एक बेहतर आयोजन और बेहतर यहाँ पे खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो आज जो चीफ गेस्ट है अजीत अग्निहोत्री जी, लंबे समय से जो कार्य कर रहे हैं, हम बात करें जो कंपनी है टाउनशिप इन शिमला प्लॉट्स विलेज अपार्टमेंट्स का काम है, सोनम बोनम ग्रुप है इनका, रियल इस्टेट इन्वेस्टर ये है। और बेहद अगर हम बात करें, पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 से 15 वर्षों से इनका कार्य चल रहा है, और हिमाचल में लगभग 2 वर्षों से ये अपना काम चला रहे हैं। इनसे सीधी बात करेंगे, किस तरह का जो आज ये चीफ गेस्ट यहाँ आए हैं, क्या अनुभव इनका रहा, किस तरह से स्नो सिटी नारकंडा इनको लगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 24 हिमाचल। धन्यवाद धन्यवाद सर। आज स्नो सिटी नारकंडा पहुँचे आप, एशिया की सबसे बेहतर स्की स्लोप यहाँ पर है, कैसा लगा आपको यहाँ पहुँचकर? हमको बहुत अच्छा लगा, और हमको ये, जैसा कि हम समझते हैं कि ये नेचुरल जो स्कीइंग ग्राउंड है बहुत कम है, इवन मनाली में भी इतना अच्छा ग्राउंड नहीं है जिसमें बहुत मैनुअल काम करना पड़ता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी स्कीइंग ग्राउंड है। और जैसे ही हमको एसोसिएशन ने बताया कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, वी आर वेरी कीन टू डू समथिंग, मतलब हमारी इच्छा तो ये है कि इसमें सब लोगों का भागीदारी होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए, एसोसिएशन अपना काम कर ही रही है, सरकार की होनी चाहिए, बिकॉज इन सब ग्राउंड्स को हम एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन के तरीके से डेवलप कर सकते हैं, अगर सब लोग, थोड़ा गवर्नमेंट भी अपना रोल अदा करे, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर से हम लोग भी अपना रोल अदा करें, तो वी कैन मेक इट रियली रियली अमेजिंग प्लेस, जो हर तरीके से, बिकॉज स्पोर्ट्स बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है, जो कॉम्प्लीमेंट करता है जो आप स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, बिसाइड्स रोजगार पैदा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तीसरे, हमारी इतनी खूबसूरत धरती है, सबको देखने का मौका मिलना चाहिए। फॉरेन में यही चीज़ होती तो क्या क्या हाइप करके किया जाता है, हमारे पास नेचुरल भगवान ने दे रखा है, हमको बिल्कुल डेवलप करना चाहिए। युवा है यहाँ, और आपने देखा होगा प्रतिभाशाली युवा है यहाँ पे, राज्य स्तर ही नहीं नेशनल लेवल तक भी, स्की की अगर हम बात करें, स्नोबोर्ड की बात करें, यहाँ से युवा निकले हैं, कैसा लगा इनको देखकर? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो है काफ़ी चैलेंजिंग है, बिकॉज सोसाइटी का भी होता है कि पढ़ो ज़्यादा स्पोर्ट्स कम खेलो, उस हालत में इंडिविजुअल्स को ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो यहाँ बच्चों का जोश जो है देख के आप सराहना भी करते हो, और आप उनसे सीखते भी हो कि विल पावर क्या होती है, या अपने दम पे कुछ करना कैसे मतलब किया जाता है। जी, अगर हम बात करें आपके बिजनेस से संबंधित, तो भारतवर्ष में लगभग 10-15 वर्षों से आपका काम चल रहा है, तो हिमाचल में कितने समय से आप काम कर रहे हैं, और क्या क्या बेसिक आप क्या क्या मतलब जो आपका काम रहता है? हिमाचल में आए हुए हमको 3-4 साल हो गए हैं, हम लोग अभी 4-5 टीयर 2 सिटीज़ में काम कर रहे हैं। वी आर रियल स्टेट डेवलपर्स, हम हर तरीके की टाउनशिप डेवलप करने में यकीन रखते हैं। तो हिमाचल में हमको 3-4 साल हो गए हैं, स्टार्टिंग विद शिमला। तो शिमला में अभी हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अपने पास 20-30 लाख स्क्वायर फीट रफली बोलना चाहें तो 1,500-2,000 मकान हमको बना के डिलीवर करने हैं, जो कि अलग अलग स्टेज पे हैं उसकी। लेकिन हम जो है शिमला के बियॉन्ड भी हिमाचल को परस्यू करना चाहते हैं। जैसे नारकंडा जो भी आए, अब एक बार भी जो भी यहाँ आएगा मेस्पराइज होकर रह जाएगा, यहाँ की जो स्कीइंग, यहाँ की आप जो स्कीइंग ग्राउंड हैं जो आपके अप्रैल तक अवेलेबल रहते हैं, ये वो टाइम है जब टूरिस्ट आना भी शुरू करना कर देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वी वॉन्ट टू मूव बियॉन्ड शिमला, वी वॉन्ट टू कम टू नारकंडा ऑल्सो, और बहुत जल्दी वी लाइक टू डू समथिंग हियर ऑल्सो। यहाँ पे आपकी अभी साइट चली है, आपने बताया न्यू शिमला में है, तो कब उसका कार्य शुरू होना है, कितने समय में ये तैयार होके? न्यू शिमला की, हमारे शिमला की 3 साइट में, न्यू शिमला सेक्टर 2 और 3 के आसपास हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, और ये 2 साल के अंदर, चूँकि कॉटेज ही बनानी है 2.5 मंजिल की, 2 साल के अंदर पूरा एंड टू एंड डिलीवर हो जाएगा। कॉटेज बनाएंगे, उसके बाद जो है सेल आउट होगी वो? जी, ये 3 लाख स्क्वायर फीट का ओवरऑल प्रोजेक्ट है, और ये 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जैसा कि हमने पूरे देश में देखा है कि रियल इस्टेट लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है बायर्स का, हम थोड़ा सा डिफरेंट करके करना चाहते हैं, थोड़ा गवर्नेंस मेंटेन करके चलना चाहते हैं, हम 2 साल के अंदर एंड टू एंड डिलीवर कर देंगे। जिस तरह से देखा गया है इस कार्य में, जो लोगों को परेशानियाँ रहती है, शिकायतें आती है, जो प्रॉपर्टी डीलर टाइप लोग रहते हैं, समय पर वो अपना काम पूरा नहीं करते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं फिर परेशानी आती है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये सही बात है पार्टली, तो देखिए हर बिजनेस में ऐसा अच्छे बुरे लोग होते हैं, रियल इस्टेट में लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा ख़राब रहा है फॉर वेरियस रीज़न,
रियल्टर भी उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, थोड़ा एक्सटर्नल माहौल भी ठीक नहीं थे। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपने सारे प्रोजेक्ट खुद ही फंड करते हैं, हम बायर के फंड पे डिपेंडेंट नहीं है, हम किसी बैंक से लोन नहीं लेते हैं। वी वर बेसिकली अ फाइनेंशियल अर्लियर, तो हम चूँकि पैसे ले कर शुरू करते हैं तो हमको हमारा कोई प्रोजेक्ट अटकने की कोई संभावना नहीं है। मतलब डीलर शब्द खत्म हो के आप प्रॉपर्टी डेवलपर? जी जी हाँ हाँ, हम फाइनेंसर पहले थे, रियल इस्टेट फंड जिसको बोलते हैं, अब हम डेवलपर हैं। क्या आने वाले समय में हम बात करें ऊपरी शिमला की जो हिल एरियाज है, वहाँ पर भी क्या आपकी कंपनी काम करेगी? जी जी बिल्कुल, पहला अगला स्पॉट तो हमारा नारकंडा ही होने वाला है। नारकंडा के बियॉन्ड किन्नौर भी, एज ए पर्सनल हम लोग जो प्रमोटर लोग हैं, हम लोग भी सब हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, हम लोग हमेशा से हिमाचल के फैन रहे हैं। हिमाचल में काम शुरू करने का हमारा मोटिवेशन भी यही था कि एक प्लेस जहां हमको जाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, हम किन्नौर तक घूमे हुए हैं, कादा तक घूमे हुए हैं। हम डेफिनेटली अगला स्टॉप शिमला के बाद नारकंडा, और उसके बाद वी लाइक टू गो टू किन्नौर आल्सो। जी हाँ, धन्यवाद सर, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आने वाले समय में जरूर जो आपका बिजनेस है वो भी चमके। तो ये थे अजित अग्निहोत्री, सोनम बोनम ग्रुप है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट जो इनकी कंपनी है, हिमाचल में धीरे धीरे अपना कार्य बढ़ा रही है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि अपर शिमला में भी जरूर जो है कंपनी आने वाले समय में बढ़ेगी और जो लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेगी। न्यूज़ 24 हिमाचल के साथ फिर से मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहे न्यूज़ 24 हिमाचल, तब तक के लिए नमस्कार।